दीपक हमें नहीं मिलेगा। मैं खोज बहुत हैरान हुआ, मैं खोज बहुत हैरान हुआ, अब कुंवर कपाना राम सिंह भैया, हाथ में बंदूक। हाँ भैया। अब ये कारतूस का माला। हाँ भैया। और आंखों में आंसू। हाँ भैया। आखिर बात क्या है? बहुत गजब हो गया भैया। क्या हुआ राम सिंह? अपना बिजनौर नगर बर्बाद हो गया। क्या हुआ बिजनौर को? भैया आपकी बेटी पूनम का अपहरण हो गया। और भैया अपहरण करने वाला कोई दूसरा नहीं है, महाराज के छोटे भाई प्रताप सिंह ने आपकी बेटी पूनम का अपहरण किया। और जिसका इंसाफ मांगने के लिए भाभी मनोरमा महाराज के पास गई, वहीं पर इंसाफ मांगते मांगते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया भैया। बिजनौर नगर बर्बाद हो गया। अब क्या बचा है मेरे लिए? सम्राट का खून हो गया और मनोरमा इस दुनिया से चल बसी। हाँ भैया। और बेटी का अपहरण हो गया। हाँ भैया। अब तो दिल में आता है। हाँ। कि उठा लो बंदूक। हाँ। और नहीं भैया, अगर इस प्रकार से गोली मारकर हम और तुम मर जाएंगे तो ये लोग बाग हमें और तुम्हें एक कायर और एक बुजदिल कहेंगे। अरे क्यों ना अपना भेष डाकू का बनाए और उस कामता सिंह प्रताप सिंह से अपना बदला चुन चुन के चुकाए। हाँ भैया। राम सिंह। हाँ भैया। तेरा भी कहना सत्य है। हाँ। अगर मैं अपने आप पे गोली मार लेता हूँ। हाँ भैया। तो लोग हमें कायर। हाँ। और बुजदिल कहेंगे। अवश्य भैया। राम सिंह। हाँ भैया। अगर तुम हमारा साथ दो। हाँ। तो हम बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए। भैया धरती माँ की सौगंध खा के कहता हूँ कि जहाँ पर आपका खूब पसीना गिरेगा ये राम सिंह अपनी जान को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो हमारी बात को। नाम से मशहूर कर और मिटा दो, मिटा दो उस कांता सिंह को हवस और मिटा दो उस प्रताप सिंह को हवस। आओ हमारे साथ चलो। प्रताप सिंह और कांता सिंह तूने रात दरबार में मुझे बहुत मारा है, अगर दौड़ा दौड़ा के गोलियों से न भूला तो मेरा राम सिंह नाम नहीं है। जय मां काली। Thank you.
ब्रदर से, मैंने के साथ में रहता हूँ, लेकिन आज तक मैंने उसका असली रूप नहीं देखा। आज पीर को बजाऊंगा और उसे बुलाऊंगा और उसका असली रूप देखूंगा। ये पीन का बचाना बंद कर और मुझे हंसे छाने दिए। बहुदी, मैं तुम्हारा असली रूप तक नहीं देखा और आज इस पीन को बजाऊंगा और मैं तुम्हारा असली रूप देखूंगा। नहीं, भगवान के लिए ये धुन मत बचाओ। देखो मैं तुम्हारे यहाँ जोड़ती हूँ, हमें जाने दीजिए प्लीज। लेकिन मोहिनी, जब तक तुम अपना असली रूप में रखोगे, जब तक मैं स्पिन को बंद नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जीते हैं तो देखो मेरे सीने की तरफ देखो। बोलो, आज मैंने तुम्हारे असली रूप को देख लिया है, पिछले महीने तुम एक काम करिए, बोलो आओ चलते हैं, आओ चलकर आराम करते हैं। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं अवश्य चलूंगी। क्यों नहीं, आप मेरे साथ आओ, लगाते हैं बिस्तर और आराम करते हैं यहीं पे। You hope I love.
लेकिन आज आपसे मैं भी कुछ जानना चाहता हूं और सुने कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूं। आज क्या जानना चाहता हूं मैं आपसे जानना चाहता हूं आज कहो तुम कौन हो अल्लाह ने मैं भी कुछ जानना चाहता हूं और खड़िए कौन सी और खड़िए कौन से बतला दे आशिका अच्छी तरह जानता हूं और पहचानता हूं मानता हूं मैं कोई यार नहीं बल्कि तेरे रिश्ते का खास हूं मानता हूं आप मुझे जानते हैं आप मुझे पहचानते हैं और रिश्ते के बाद आप एक डाकू और एक मैं कहा नहीं अगर तुझे यकीन नहीं है तो देखो मेरी तरफ और पहचानो कि मैं कौन हूं तुम्हारी तरफ लेकिन आपसे कुछ जानना चाहता हूं चाचा जी नगर तो शमशान हो गया आप क्या कह रहे चाचा जी और सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा
और आज तू मुझसे अपनी माँ का हाल जानना चाहता है। हाँ चाचा जी। सुनो कुमार, जब से आया चला मैं अब तुझे खोज, बेटा पूनम का तुम हमारे साथ बिजनौर चलो। अगर तू बिजनौर नहीं गया तो तुम्हारा बिजनौर राज बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमारे साथ चलो कुमार। चाचा जी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको और मुझको मोहिनी से मांगना होगा। चाचा जी कुमार, अब तेरे लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरे चाचा के कदम पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये बात है तो मोहिनी से मैं तुझे मांग लेता हूं। मेरी मोहिनी, और तुम हो महबूब मेरे कुमार की सुहाग, मांग रहा हूं। हमें कुंवर चाचा जी, आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। वाकई में जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार मेरा नहीं है इनकी जगह पे। आज भगवान ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अगर अगर मेरी जान को बचा सकती हैं तो हजारों बहन बेटियों की जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही है। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ बोलो। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सारी गलतियों को भूल करके आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करें और हमारी गलती को क्षमा कर दें और हमारी दीपक की गलती को क्षमा कर दें। बस यही आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बाकी बात में बात कहूंगी। मोहिनी तुम घबराओ नहीं, सिर्फ एक हफ्ते के लिए कुमार को हमें दे दो और आठवें दिन कुमार दीपक को मैं तेरे पास छोड़ दूंगा, ये हमारा वादा है। अगर ये वादा आपका है तो इतना याद रखना, अगर एक हफ्ते के बाद आठवें दिन अगर दीपक मेरे पास नहीं पहुंचा तो दुनिया की कोई ताकत दीपक को तुम्हारे पास रोक नहीं सकती। नहीं,
जाकर एक हफ्ते के बाद आठवें दिन दीपक मेरे पास नहीं पहुंचा तो ना तो तुम रहोगे और ना तो तुम्हारा खानदान है। कोने में तुम छुपा के रखोगे, मैं इसे खोज करके निकालूंगी। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, जाओ। और कुमार, तुम मोहनी से दो चार बातें करके मोहनी के साथ आओ, हम चल रहे हैं। साथियों आइए, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन चाचा जी ने वादा किया है तो एक हफ्ते के बाद मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। लेकिन मोहनी, मैं जानता हूं अगर एक हफ्ते के बाद मैं तुम्हारे पास ना आऊं तो तुम्हें मुझे मेरे पास आना होगा। इधर आओ। आज तो मैंने इजाजत दे दिया, तुम जाओ। एक हफ्ते के बाद तुम नहीं आए ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती मेरे पास आने के लिए, तुम तो जानते ही हो। अरे मोरे राजा, तुम कांपते क्यों? मोहिनी, एक हफ्ते के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन इस वादे को भूल नहीं जाना। अगर मैं तुम्हारे पास ना हूं तो तुम्हें मेरे पास आना होगा और तुम हम तक पहुंच सकती हूं। मोहिनी, पहले मैंने बता दिया ना, कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकती। आठवें दिन अगर तुम नहीं आए तो मैं तेरे पास आऊंगी, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। और उसके बाद जिससे मैंने वादा किया उन दोनों तीनों चारों भाई को मैं शमशान घाट और जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। हमेशा साला पागल की तरह चिल्लाया करता है, छोड़वा अब यहां से जाओ और हमारे दोस्त मंत्री कांता को बुला करके लाओ। देखो, पहले तो आप राजा साहब के यानी छोटे भाई तो रहबे भयो है। हाँ। राजा रहबे भयो है, अब उनके मर जाने के बाद आप यहाँ के स्वयं राजा बन गए है। तो क्या हुआ, मान लो हम नौकर चाकर रहे, कोनो दुख मुसीबत हो तो आपसे नहीं कहा, गाँव वाले से कहा भाई। बोल क्या बात है। एक कौनो लड़की हम लोग पसंद आए गए। क्या? अबे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक लड़की हम लोग पसंद आए, लेकिन हम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप भी कोई समस्या है? प्रॉब्लम हिमा यह है कि यह मामला कम से कम साल दो साल से चल रहा है। अरे तो दो साल से चल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें यह है, वो बिटी बस कुछ कहा कि माँ हिम्मत नहीं पड़त। अबे दो साल से प्यार कर रहा है और कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। खाली आपको थोड़ा हेल्प चाहिए बस। इसका मतलब कुछ मदद की जरूरत है। खाली आप साथे चलो, खाली सामने खड़े रहियो तो वहाँ हौसला बढ़ जाए। अब ये प्रताप सिंह बिजनौर राज का महाराज बन गया है और बिजनौर की यह सत्ता ठाकुर के हाथ में आ गई है। एक छोटा सा काम अपने नौकरों के लिए नहीं करेंगे, हम आज ही उस लड़की के पास चलेंगे और उससे कह देंगे कि जब दोनों लोग प्यार कर रहे हो तो या तो शादी कर लो या तो कहीं लेकर के भाग जाओ। लेकिन वो लड़की कहाँ की है? वो लड़की समझो गांव में जमार के रहा है। अपने गांव की? या मानो टोला पड़ोस के बात है यार। इसका मतलब कि अपने मोहल्ले की बात है भाई। लेकिन ये तो बता कि लड़की कहाँ की है? भाई आपका घर हमारा घर लगन लगे है, या मानो अपने मोहल्ला की बात है यार। अरे तो वो लड़की कहाँ की है तो बता किसके घर की है? लेकिन आप कही हो कि ना कही हो। अबे मैं कसम खा रहा हूँ कि
उस लड़की के पास चलेंगे, कह देंगे कि या तो इसे शादी करो और या तो लेकर कहीं भाग जाओ। किसके घर की लड़की है? अब हमका विश्वास नहीं हो। अबे मैं कसम खा रहा हूँ कि उस लड़की के पास चलूंगा और तेरे लिए सब कुछ कह दूंगा, लेकिन वो किसके घर की लड़की है? वो लड़की वा आए तुम्हारा छोटकई वा बहनी वा। साले हरामखोर कुत्ते की औलाद साले मेरी बहन को गाली दे रहा है। नाते रिश्तेदारी में हमारे चाचा लागा था, वो हमारे बुआ लागा थी। अब आपके किस माता के मंत्री यानी राजा बन गए है और हमारे किस माता के हम नौकर के नौकर रह गए। तो साले अगर बुआ लग रही है तो अकेले मजाक किया जाता है कि समाज के सामने किया जाता है? और चांद मने के सामने मजाक न करब तो मने का दिन है कौन रिश्ता कौन नहीं ना। थप थप। बात करियो कि नहीं? चले जाओ मंत्री कांता को बुला करके ला पहले। जय गोपाल की मेरे दोस्त, देखा ना हमने जैसा वादा किया था उस वादे को पूरा कर दिया है। और हमारा सिद्धांत हमारा पुराना वसूल है कि हमने जीवन में अगर जिससे भी वादा किया है हमेशा उस वादे को पूरा कर दिया है। हमारा साले नहीं बहुत मारूंगा। इसका कौन सा वादा है मेरे यार? ये साला मेरी बहन को गाली दे रहा है। मेरे दोस्त कहिए, आज हम दोनों लोग आधे आधे बिजनौर के सम्राट बन चुके हैं, बन चुके हैं, तो आज पहली बार हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? सुनो के हम कहना क्या चाहते हैं। कई दिन हो गए हैं, पूनम हमारे कैद खाने में बंद है, उसके हाथ आंखों में पट्टी बांध करके तुम हमारे पास लेकर के आओ। सुनिए राजन, बोलो